नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है जिसका नाम है नियोवोल्टेक। दोस्तों, एक और नई भर्ती के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे महिला सुपरवाइजर की निकली भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती है सिर्फ महिलाओं के लिए है। अगर आप 18 से 42 साल की उम्र की महिला हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है सभी राज्यों की महिलाओं के लिए है, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर सैलरी जो है काफी अच्छी, आपको काफी शानदार यहाँ पर सैलरी आपको दी जा रही है। 71,510 रुपए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट से देखें ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस भर्ती की जानकारी हो और वो भी आवेदन कर सकें। और इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों, आगे चलते बात करते हैं पूरी इस रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, APPSC द्वारा वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर सब यूनिट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस वैकेंसी के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना होगा। पोस्ट की बात करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफिसर ग्रेड 1 सुपरवाइजर के पदों पर ये वैकेंसी है और सिर्फ महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए वैकेंसी है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं यहाँ पर आवेदन शुल्क की, तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है 250 रुपए लिया जाएगा और एग्जाम फीस 80 रुपए ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर SC ST BC और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। और यहाँ पर पेमेंट है जो आपको करना है ऑनलाइन ही करना होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं आयु सीमा की, एज लिमिट की। तो दोस्तों, मिनिमम यहां पर 18 साल है। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल है तो आप आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम है 42 साल। तो दोस्तों, यहां पर आयु सीमा में छूट भी है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है SC ST और OBC कैंडिडेट्स को, ठीक है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल आप बढ़ा लीजिए। तो यहां पर 5 साल बढ़ाने के बाद में आप देख सकते हैं यहां पर 47 साल अगर आपकी मैक्सिमम है तो आवेदन कर सकते हैं और OBC के लिए 3 साल एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन जो है 28 दिसंबर से शुरू होगा और लास्ट डेट है 18 जनवरी, ठीक है। 18 जनवरी 2019 इसकी लास्ट डेट है और डेट पेमेंट जो है वो 17 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें आपका मेन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि आपका होगा 25 अप्रैल को, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट तीनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जो जानकारी हमने आपको दी है हमारी साइट के थ्रू, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं 18 दिसंबर से आवेदन शुरू है और 28 दिसंबर से आवेदन शुरू है और 18 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और यहां पर सैलरी 24,440 से शुरुआत होगी और 71,510 रुपए आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। 18 से 42 साल एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं और वैकेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत की नागरिक हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, ठीक है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर साफ साफ बता रखा है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जो पैसा और समय है दोनों बर्बाद ना हो, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST और BC के लिए 5 साल की आयु सीमा में छूट है और जो PhD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल की आयु सीमा में छूट है और एक्स सर्विसमैन जो है महिलाएं उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है 3 साल की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं और डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, वो यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहां पर इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप यहां पर देख सकते हैं, सारी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। पेमेंट का पूरा प्रोसेस भी बताया गया है कि आपको पेमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं सारे स्टेप यहाँ पर दे रखे हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। और एग्जाम फीस की यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है कि एग्जाम फीस कितनी लगेगी और एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी और यहाँ पर किन किन को फीस जो है माफ है, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बता रखा है कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा जो कि आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा जो कि मेन एग्जाम होगा, उसका यहाँ पर को सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न पूरा यहां पर आपको मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन के अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या शंका है तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के सही जवाब देने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।